हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम। अब हमको सिंपल पेंडुलम सरल लोलक की हेल्प से जी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। अब हम ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड देखते हैं। हमारा ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम एक थ्रेड ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, जिसपे थ्रेड को लटकाएंगे और यहाँ पे हम मेटल का जो स्पेयर है वो यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी, हमको ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। तो पहला हमको स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे, फिर थ्रेड को स्टैंड में लटकाने के लिए जो थ्रेड यूज करते हैं हम लोग, और मेटल स्पेयर का मेटल यूज कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे जो थ्रेड है उसका लेंथ मेजर करने के लिए हमको मीटर स्केल की आवश्यकता पड़ती है, और जो हम लोग यहाँ पे जो मेटल का स्पेयर लिए उसका रेडियस निकालने के लिए हमको वर्नियर कैलिपर्स की आवश्यकता पड़ती है, ये वर्नियर कैलिपर्स। अब जब हम इसको स्टैंड पे ऑसिलेशन कराते हैं सिंपल पेंडुलम को, तो हमको उसके लिए उसका टाइम निकालने के लिए हमको स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ती है। हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो रेडियस है, जो मीटर मेटल का हम लोग स्पेयर ले रहे हैं, उसका हम लोग रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे, तो इस मेटल को पहले जो वर्नियर कैलिपर से ये हमारी वैल्यू होगी 1। अब हम रीडिंग देखते हैं इसकी, तो ये हमारा हो गया वर्नियर कैलिपर्स का, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए हम जो वर्नियर स्केल का हमारा जो पहला वाला लाइन है वो मेन स्केल से कहाँ पे मिल रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो वो मेन स्केल की रीडिंग हुई, और वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा लाइन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो हम लोग वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग 3 रीडिंग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग एक रीडिंग यहाँ यहाँ से निकालते हैं और तीसरी रीडिंग यहाँ से निकालते हैं। इस प्रकार हमारी 3 रीडिंग निकलती है रेडियस के लिए। इसके बाद हम लोग ये हुई हमारी, अब हम इसके परपेंडिकुलर रीडिंग निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर रीडिंग निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसा रखते हैं, ऐसा। तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर रीडिंग। इसको भी हम लोग 3 बार निकालेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा और एक ऐसा। इस प्रकार रेडियस हम लोग 3 वैल्यू जो निकालते हैं उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा रेडियस जो है वो निकल जाता है। अब हम इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो एल लेंथ और टाइम के लिए निकालते हैं, जो टाइम पीरियड को निकालेंगे उसके लिए। तो हम लोग सबसे पहले जो ये पेंडुलम लगाया है उसका लेंथ मेजर करते हैं। तो सब ये हम 90 में रखते हैं इसको, 90 पे रखें। अब इसको 20 बार दोलन कराएंगे, तो इसके लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। तो जब इसको 20 बार दोलन कराएंगे तो स्टॉप वॉच है वो ऑन करते हैं। जैसे हम इसको ऑसिलेशन कराते हैं अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं और इसको गिनते हैं कि 20 बार हुआ है। जैसे ही 20 बार हो जाता है हम ये स्टॉप वॉच है वो बंद कर देते हैं। तो हमारा जो रीडिंग यहाँ पे आ रहा है, जैसे 13 में आ रहा है तो हम जो टाइम हमारा जो दिया रहेगा उसमें 13 सेकेंड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड रीडिंग लेते हैं, ये जो हमारा 90 में था लेंथ इसको 10 कम कर देते हैं यहाँ से। अब ये हमारा आ जाएगा, इसका हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, 10 कम कर दिए हम इसके, इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा रहना चाहिए 80 पे। अब हम इसको फिर 20 ऑसिलेशन कराएंगे। जैसे ही हम लोग इसको ऐसा 20 बार दोलन कराते हैं स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं।
जब ये 21 दुल्हन हो जाता है तो स्टॉप वॉच है वो बंद कर देते हैं, फिर उसमें रीडिंग लेते हैं स्टॉप वॉच से कितने सेकंड पे वो रुका। अब वो 12 सेकंड पे रुका है तो हम लोग सेकंड रीडिंग लेंगे 12 सेकंड। उसके बाद हम लोग इसको फिर 10 कम कर देते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 10 कम कर देंगे। सबसे पहले हमने लिया था 90 में, फिर 80 में, उसके बाद ये रहना चाहिए 70। इसको हम लोग इस तरह से मेजर कर लेते हैं कि 70 में है कि नहीं। उसके बाद हम लोग फिर इसको ऑस्किलेशन कराएंगे, इसको हम लोग दोलन की छोड़ देते हैं, इसको ऑन करते हैं। जब ये 20 ऑस्किलेट पूरा कर लेता है अपना तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। इस प्रकार हमारी 3 रीडिंग निकल जाती है। जो हम लोग एल, हमको एल लेंथ और टाइम पता चल गया। अब हम लोग इसका जो फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू होता है 2 पाई एल रूट में एल टी, जहाँ जी क्या है, आपने ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन निकाल रहे हैं हम लोग, और लेंथ है इफेक्ट। जो हम लोग यहाँ पे पेंडुलम लटका है इस पर लेंथ, तो क्या हो रहा है वो इफेक्ट हो रहा है उस पर लेंथ में, तो हमको यहाँ पे रीडिंग जो है वो मालूम चल गया। अब हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे। अब हम यहाँ पे जो रेडियस बनाने के लिए टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए थे, तो उसमें था डायमीटर इन वन एंड डायमीटर इन लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ में मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, वन ईयर स्केल रीडिंग लेते हैं और डायमीटर। मेन स्केल रीडिंग हम लोग वन ईयर स्केल से निकाले यहाँ पे 2.5, 2.4, 2.5। वन ईयर स्केल की रीडिंग निकाले 4, इसको लिस्ट काउंट से इंटू कर देते हैं तो 0.04 आ जाएगा। इसमें जो आई वन स्केल की रीडिंग वो 4, इसको लिस्ट काउंट से इंटू की 0.04। अब यहाँ पे आया वन ईयर स्केल का रीडिंग 5, इसको इंटू कर देंगे लिस्ट काउंट से तो 0.05। डायमीटर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 2.5 और 0.04 को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2.54। 2.4 और 0.04 को ऐड कर देते हैं तो 2.44 आ जाएगा। 2.5 और 0.05 को ऐड कर देंगे तो 2.55 आ जाएगा। अब हम लोग परपेंडिकुलर के लिए जो हम लोग पेंडुलम यूज किए उसका परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं, तो यहाँ पे भी मेन स्केल रीडिंग, वन ईयर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 2.6 आई है हमारी और वन ईयर स्केल रीडिंग आई है 0.5, इसको लिस्ट काउंट से इंटू कर दिए तो 0.05, ऐड दोनों को ऐड कर देंगे 2.65 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, 2.3 आई है हमारी और वन ईयर स्केल की रीडिंग आई है 5, लिस्ट काउंट से इंटू कर देंगे 0.05, दोनों को ऐड कर देंगे 2.35। 2.3 आई है हमारी मेन स्केल की रीडिंग, वन ईयर स्केल की आई है 0.06, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2.56। इस प्रकार हमारी 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम लोग डायमीटर निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे तो हमको 3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पे इसको पहले ऐड करेंगे तो 7.76 अपॉन 3 तो 2.28 हमारा जो है इसका रेडियस निकल जाएगा, किसका, हम लोग जो पेंडुलम यूज़ किए उसका। अब हम लोग एल और टी के लिए जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया वो देखते हैं। 20 ऑस्किलेशन कराया तो हमारा जो टाइम आया वो आया 35, लेंथ यहाँ पे हम 90 लिए थे और टाइम निकालते हैं तो 35 को लेंथ, सॉरी ये जो लेंथ है इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा 1.7, इसको हम लोग टी से इंटू कर देंगे, टी का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.84। अब एल अपॉन टी कर देंगे तो एल हमारा ये दिया हुआ है अपॉन टी, ये निकल जाएगा। इस प्रकार हमारा सेकंड वैल्यू आया था 30, उसमें लेंथ लिए थे हम 80, टाइम निकालेंगे 30 अपॉन 20 कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे टी स्क्वायर। अब एल अपॉन टी, ये एल है हमारा अपॉन टी, एल अपॉन टी आ जाएगा 36.3। इसी प्रकार थर्ड वैल्यू निकालते हैं, तो थर्ड वैल्यू में हम जो ऑस्किलेट कराए थे
पेंडुलम को उसमें आया था 33। लेंथ हम लिए थे 10 कम की तो 70। अब टाइम निकालेंगे तो 33 अपॉन 20 कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा। टी स्क्वेयर निकालते हैं 2.56। अब एल अपॉन टी स्क्वेयर 2.8 आ जाएगा। इस प्रकार इस तीनों वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 23.7 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, जी इक्वल टू 4π² एल अपॉन टी स्क्वेयर। यहाँ पे जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, टी टाइम पीरियड, एल है हमारे यहाँ पे लेंथ। तो 4π की वैल्यू हम ले रहे हैं 3.14 का स्क्वेयर, एल की वैल्यू एल अपॉन टी स्क्वेयर हम निकाल चुके हैं 23.7। 4 × 3.14 का स्क्वेयर करेंगे 9.8 आ जाएगा × 23.7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 9.8 × 23.7। सॉल्व करेंगे तो 9029.07 अपॉन 100। जी की वैल्यू आ गई 9.2। जी की वैल्यू जो होती है 9.8, तो ये जो वैल्यू आ रही है 9.8 के बहुत करीब है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकला वो निकला 9.2।